यूजेज ऑफ डायमेंशनल इक्वेशंस, तो देयर आर नंबर ऑफ यूजेज ऑफ डायमेंशनल इक्वेशंस एंड डायमेंशनल फार्मूला। तो देखा जाए क्या क्या यूजेज हैं। फर्स्ट, टू कन्वर्ट यूनिट ऑफ वन सिस्टम इनटू द यूनिट्स ऑफ अदर सिस्टम। तो जैसा हम जानते हैं देयर आर नंबर ऑफ यूनिट्स, SI सिस्टम, MKS सिस्टम, FPS सिस्टम, CGS सिस्टम, नंबर ऑफ सिस्टम्स हैं। करना क्या है, कोई फिजिकल क्वांटिटी कंसिडर कर लेते हैं, पी एक फिजिकल क्वांटिटी है, हम कंसिडर कर लें यह SI यूनिट में दिया गया हो, इसको हमें कन्वर्ट करना है CGS सिस्टम में विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल इक्वेशंस। तो यहाँ पर हमें करना क्या है, कन्वर्ट करना है। तो स्टार्ट किया जाए, यहाँ पर हम कंसिडर कर लेते हैं कि देयर आर ए पी, पी इज अ फिजिकल क्वांटिटी, पी क्या है, एक फिजिकल क्वांटिटी है। एज वी नो दैट द प्रोडक्ट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू एंड करस्पॉन्डिंग यूनिट ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी आर ऑलवेज कॉन्स्टेंट, दैट इज एन यू इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। जैसे हमने क्या कंसिडर किया, पी जे फिजिकल क्वांटिटी, एन क्या है, तो एन है उस क्वांटिटी का न्यूमेरिकल वैल्यू, एंड यू क्या है, तो यू है करस्पॉन्डिंग यूनिट। फॉर एग्जाम्पल हम कंसिडर कर लें 1 किलोग्राम, तो इस क्वांटिटी में क्या दिख रहा है, दिस इज मास, एक ऐसी क्वांटिटी है, मास क्वांटिटी है, इसमें 1 क्या दिख रहा है, 1 रिप्रेजेंट कर रहा है न्यूमेरिकल वैल्यू को, एंड केजी रिप्रेजेंट कर रहा है SI यूनिट ऑफ मास, मास का SI यूनिट है, तो हमें यहाँ पर मिल गया NU। ये जो होता है प्रोडक्ट जो दोनों का, मिस प्रोडक्ट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू एंड करस्पॉन्डिंग यूनिट ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी आर ऑलवेज कॉन्स्टेंट। जैसा हम देख रहे हैं पी इज इक्वल टू एन यू इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, मीन्स यहाँ पर कहा जा रहा है 1 kg, तो 1 kg को हम एनादर फिजिकल क्वांटिटी जो है, जो हमारे पास ये 1 kg है, एनादर यूनिट्स में अगर कन्वर्ट करें, फॉर एग्जाम्पल हम इसको 1 kg को 1000 ग्राम भी लिख सकते हैं, 1000 ग्राम लिख सकते हैं। तो हम देख क्या रहे हैं, हम ये देख रहे हैं यहाँ पर ये 1000 रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर को, यानी न्यूमेरिकल वैल्यू को, एंड जी यानी ग्राम, ये ग्राम रिप्रेजेंट कर रहा है करस्पॉन्डिंग यूनिट को। तो यहाँ पर हमारे पास हम कंसीडर कर लेते हैं सेकंड सिस्टम में जो है N2 है, और ये हमारे पास यूनिट जो है U2 है, और यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट जो केस था यहाँ पर हमने कंसीडर कर लिया था ये हमारे पास N1 हो और ये U1 हो। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, दिस इज इक्वल टू, मीन्स N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2, दिस इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो क्या मिला, ये हम देख रहे हैं कि कोई भी क्वांटिटी हो, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो, वन सिस्टम टू एनादर सिस्टम में जाएंगे तो इनकी वैल्यू ऑलवेज कॉन्स्टेंट होंगे। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि न्यूमेरिकल वैल्यू एंड करस्पॉन्डिंग यूनिट्स आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। इस इक्वेशंस को देख सकते हैं, हम इस इक्वेशन से इसे प्रूफ करते हैं। हम क्या देख रहे हैं, हम ये देख रहे हैं ये फर्स्ट सिस्टम जो हमने कंसिडर किया है इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू 1 थी और U1 जो हमारे पास है वो kg में है। तो जैसा हम जानते हैं kg जो होता है ये लार्जर यूनिट होता है इन कंपेरिजन टू ग्राम, ग्राम के कंपेरिजन में kg जो होता है वो क्या होता है, लार्जर यूनिट होता है। तो क्या हुआ, kg हमने जब ग्राम में कन्वर्ट किया, मीन्स ग्रेटर यूनिट से लार्जर यूनिट से हम स्मॉलर यूनिट में जा रहे हैं, तो क्या हो रहा है, ये kg से ग्राम में गए तो यहाँ पर यूनिट जो है डिक्रीज किया, मीन्स kg टू ग्राम गए, बट हम ये देख रहे हैं न्यूमेरिकल वैल्यू इंक्रीज कर गया। यहाँ पर फर्स्ट केस में न्यूमेरिकल वैल्यू 1 था, बट सेकेंड केस में या सेकेंड सिस्टम में हमने क्या देखा, देयर आर 1000, मीन्स जहाँ पर यह न्यूमेरिकल वैल्यू 1 था यहाँ पर 1000 है, मीन्स न्यूमेरिकल वैल्यू एंड करस्पॉन्डिंग यूनिट्स आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर।
मीन्स क्या है, एक इंक्रीज करेगा तो डिक्रीज, दूसरा डिक्रीज कर जाएगा। इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके हमें क्या करना है, डायमेंशनल एनालिसिस का यूज करते हुए, डायमेंशनल एनालिसिस का यूज करते हुए हमें क्या करना है, कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर हमने देखा P इज इक्वल टू एन यू इज इक्वल टू कांस्टेंट मिला, ठीक। तो अब क्या करें, हम यहाँ पर इस फिजिकल क्वांटिटी को कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पर हम कंसीडर कर लेते हैं देयर इज P क्वांटिटी, ठीक। तो फर्स्ट सिस्टम में हमारे पास जो P इज इक्वल टू मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, एन1 यू1। तो हमने क्या देखा, फर्स्ट सिस्टम में जो क्वांटिटी है P, जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू n1 है और उसका करस्पॉन्डिंग यूनिट u1 है, ठीक। सिमिलरली सेकेंड क्वांटिटी में हम देखेंगे, सेकेंड जो सिस्टम मिलेगा वहाँ पर हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू n2 और करस्पॉन्डिंग यूनिट u2 मिल गया। तो हमने क्या देखा, हम ये देख रहे हैं P इज इक्वल टू n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2। हम कंसिडर कर लेते हैं अब ये जो फिजिकल क्वांटिटी है वो जो मेजर किया जाता है वो कैसे मेजर किया जाता है, ए इन मास। ए इन मास का मतलब क्या है, यहाँ मीनिंग ये है कि जो मास का टर्म है वो मास पे न्यूमेरिक, अगर हम डायमेंशनल फार्मूला फाइंड आउट करेंगे तो हमको मिलेगा m रेज्ड टू द पावर a, मीन्स यह क्वांटिटी m जो है a टाइम्स मेजर किया गया है। फॉर एग्जांपल एंड डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फिजिकल क्वांटिटी करस्पॉन्डिंग टू लेंथ दैट इज b इन लेंथ l b। सिमिलरली डायमेंशनल फार्मूला करस्पॉन्डिंग टू टाइम c इन टाइम t c। तो हमने क्या देखा कि जो फिजिकल क्वांटिटी p मेजर किया जा रहा है जिसमें m रेस्ट टू पावर a है, l रेस्ट टू पावर b है एंड t रेस्ट टू पावर c है, मीन्स ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो a का डायमेंशन फॉर इक्वेशंस हो गए, डायमेंशनल फार्मूले हमारे पास मिल रहे हैं, डायमेंशनल इक्वेशंस ए है, लेंथ में बी है और टाइम में सी है। तो इस फिजिकल क्वांटिटी का फर्स्ट सिस्टम में जो डायमेंशनल फार्मूला मिल जाएगा वो क्या मिल जाएगा, वो मिल जाएगा एम वन एल वन टी वन और यहाँ पर पावर हमको ए बी सी मिल गए, हमने फर्स्ट में कंसिडर किया। एंड सेकेंड में क्या मिल जाएगा, तो सेकेंड में मिल जाएगा हमको एम टू ए L2 B T2 C। तो हमें यहाँ पर क्या दिख रहा है, यह फर्स्ट सिस्टम में मिलेगा और यह सेकंड सिस्टम में मिलेगा, यानी इससे करस्पॉन्डिंग अगर देखें और इस फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फार्मूला बात करेंगे तो वो हमें मिल जाएगा M A L B T C। तो हमारे पास मिल गया इस P क्वांटिटी का, ये फर्स्ट सिस्टम में, ये सेकंड सिस्टम में, ठीक। तो अब इसकी वैल्यू को हम जरा इस इक्वेशन में पुट करने की कोशिश करते हैं, यहाँ पर इसको पुट किया जाए तो देखा जाए क्या मिल रहा है। तो हम यहाँ पर इसको पुट कर देते हैं तो देखा जाए, देयरफोर P इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा हमको, यहाँ पर मिल जाएगा एन वन और यू वन के प्लेस पर क्या पुट करेंगे, इसको यू वन के प्लेस पर एम वन ए एल वन बी टी वन सी, तो पुट कर दिया जाए तो यहाँ पर मिल जाएगा हमको एम वन ए एल वन बी टी वन सी इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा सेकेंड पेस पे एन टू, तो यहाँ पर एन टू पुट कर दिया गया और यहाँ पर हमको मिल जाएगा यू टू के प्लेस पर दिस, यानी सेकेंड सिस्टम में जो डायमेंशन फार्मूला मिलेगा सेम फिजिकल क्वांटिटी पी का, तो एम टू ए एल टू बी टी टू सी, तो ये मिल गया एम टू ए एल टू बी टी टू सी। तो जैसा हम देख रहे हैं हमारे पास क्या है, दिस इज इक्वल टू दिस, लेकिन यहाँ पर हमारे पास वन वैल्यू नोन होगी, हमने कंसिडर कर लिया एन वन नोन है, एन टू को फाइंड आउट करना है, एन टू को फाइंड आउट करना है, तो एन टू वैल्यू क्या हो जाएगी, देयर फोर एन टू इज इक्वल टू मिल जाएगा हमको एन वन एम वन ए एल वन बी टी वन सी अपान, इसको पुट कर दिया जाए एम टू एल टू बी टी टू सी। हम देख रहे हैं एम वन एंड एम टू दोनों के जो डायमेंशंस हैं सेम हैं, एम वन में भी ए है, एम टू भी ए है, सिमिलरली एल वन एल टू का भी सेम है और टी वन टी टू का भी डायमेंशन सेम है, डायमेंशन सेम है। तो हम करें क्या, इनको वन ब्रैकेट में लिख लेते हैं आर
एन टू इज इक्वल टू एन वन यहाँ पुट कर देते हैं और यहाँ पर हम वन ब्रैकेट में यूज कर लेते हैं एम वन अपॉन एम टू और ये हमारे पास जो डायमेंशंस हो जाएंगे वो क्या मिल जाएगा, हमको डायमेंशंस मिल गया ए। सिमिलरली फॉर लेंथ एल वन अपॉन एल टू रेस्ट टू द पावर बी, मीन्स डायमेंशन जो होगा बी हो जाएगा। एंड सिमिलरली फॉर टाइम तो ये मिल जाएगा टी वन अपॉन टी टू रेस्ट टू द पावर सी, मीन्स डायमेंशन सी मिल गया। ठीक, तो ये हमारे पास जो फार्मूला दिख रहा है, ये जो फार्मूला दिख रहा है यही फार्मूला क्या है, यही हमारे पास फार्मूला कन्वर्ट करने के लिए एक फार्मूला दिया हुआ है टू कन्वर्ट यूनिट ऑफ वन सिस्टम इनटू द यूनिट्स ऑफ अदर सिस्टम। जो सिस्टम में हम कन्वर्ट करेंगे उसके लिए हमारे पास जो फार्मूला डिराइव होकर आया वह यही फार्मूला है। इस फार्मूले का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम में बहुत ही इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं, बहुत इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस डायमेंशनल फार्मूला। तो इस फार्मूले का यूज करते हुए हम कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, न्यूमेरिकल को सॉल्व किया जाए इस फार्मूले का यूज करते हुए। इस न्यूमेरिकल को देखा जाए क्या कह रहा है, द यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन इन द एसआई सिस्टम एंड डाइन इन द सीजीएस सिस्टम फाइंड नंबर ऑफ डाइंस इन वन न्यूटन। मीन्स जो क्वेश्चन दिया गया है वो क्या कह रहा है, वहां कहा गया है कि हमारे पास न्यूटन जो है ये एसआई सिस्टम का यूनिट है और इसको कन्वर्ट करना है हमको डाइन में जो कि एक सीजीएस सिस्टम का यूनिट है। दोनों यूनिट किसके हैं, फोर्स के हैं। यहाँ पर वर्ड फोर्स यूज किया जा चुका है, हमने फोर्स टर्म को यूज भी किया है। तो यहाँ पर क्या करना है, हमें कन्वर्ट करना है इस क्वांटिटी को, तो कन्वर्ट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फोर्स, तो यहाँ पर जरा देखें क्या मिलेगा, द डायमेंशनल फार्मूला, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फोर्स ये क्या मिल जाता है, ये मिल जाता है एम एल टी माइनस टू। इसको हम लोगों ने इसके पहले प्रीवियस लेक्चर में स्टडी कर चुके हैं। तो अब क्या होगा, फर्स्ट सिस्टम में कंसीडर कर ले रहे हैं कि जो डायमेंशनल फार्मूला फोर्स का मिल रहा है वो हमको मिल जा रहा है एम वन एल वन टी वन माइनस टू। ठीक, और सेकेंड सिस्टम में क्या मिल जाएगा, सेकेंड सिस्टम में मिल जाता है हमें यहाँ पर एम टू एल टू टी टू माइनस टू, ये मिल जाएंगे। डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फोर्स क्या है, एम एल टी माइनस टू है। तो फर्स्ट सिस्टम में हमें मिल जाएगा यहाँ पर यह और सेकंड में यह मिल जाएगा। एज वी नो दैट पी इज इक्वल टू एन यू इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, दैट इज फिजिकल क्वांटिटी जो होता है वो किसके इक्वल होता है, द प्रोडक्ट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी एंड करस्पॉन्डिंग यूनिट आर ऑलवेज कॉन्स्टेंट। तो यहाँ पर ऑलवेज कॉन्स्टेंट है, देयर फोर हम लिख सकते हैं एन वन यू वन इज इक्वल टू एन टू यू टू, ये हम यहाँ पी इज इक्वल टू कर देते हैं। तो पी इज इक्वल टू एन वन यू वन इज इक्वल टू एन टू यू टू। तो फर्स्ट सिस्टम में जरा देखा जाए, अब हमें यहाँ पर एन वन की वैल्यू कितना मिलेगी, तो कहा गया है क्या, द यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन इन द एसआई सिस्टम एंड डाइन इन द सीजीएस, फाइंड नंबर ऑफ डाइंस इन वन, यहाँ पर वर्ड यूज किया गया है वन न्यूटन का। मिस एन वन कितना हो जाएगा, वन हो गया, और यू वन की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो यू वन हमारे पास मिल रहा है न्यूटन। न्यूटन को ब्रेक करते हैं तो क्या हो जाएगा, यह केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये तो मिलेगा। एंड एन टू जरा देखा जाए तो एन टू क्या है, नोन है, नो, फाइंड द नंबर ऑफ डाइंस मीन्स हमें एन टू फाइंड आउट करना है, एन टू को हमको फाइंड आउट करना है, तो एन टू हमारे लिए क्वेश्चन मार्क हो गया, ये हमें फाइंड आउट करना है। एंड यू टू क्या मिलेगा, तो यू टू इज इक्वल टू किस में फाइंड आउट करना है, डाइंस में, तो यहाँ पर मिल जाएगा यह डाइन हमको मिल गया। डाइन को हम क्या लिख सकते हैं, तो इसको डाइन को लिख सकते हैं ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये तो लिखा जा सकता है। ठीक, अब क्या किया जाए,
इनकी वैल्यू को n1 u1 n2 u2 वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर दिया जाए तो क्या मिल जाएगा, देयरफोर p इज इक्वल टू n1 और हमको मिल गया u1 के प्लेस पर क्या डायमेंशनल फार्मूला, ये मिल जाएगा, ये मिल जाएगा m1, बट पावर क्या लेंगे, a लेंगे, क्योंकि हमारे पास जो a टाइम्स इसको मेजर किया गया हमने कंसिडर किया। सिमिलरली l1 पावर b, t1 पावर c, यहाँ पर हमने क्या किया, हमने जो मेजर किया था क्वांटिटी, तो जैसा कि हम जानते हैं ए मेजर्ड होता है ए बी सी के फॉर्मेट ना, सिमिलरली ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा n2 और यहाँ पर मिल जाएगा m2 a, l2 b, t2 c, ठीक। हम क्या कर सकते हैं, फार्मूले को डिराइव कर सकते हैं। अब अगेन तो फार्मूले को देखा जाए, देयरफोर क्या मिल जाएगा हमको, n2 इज इक्वल टू, इसको डायरेक्टली सॉल्व करेंगे तो जो फार्मूला डिराइव होकर आया था वही आ जाएगा n1 अपान m1 अपान m2 पावर a, l1 अपान l2 पावर b, t1 अपान t2 सी, ठीक। तो ये फार्मूला हम लोगों ने अभी डिराइव किया था, ठीक। हमने अगेन डिराइव कर दिया इस न्यूमेरिकल केस के लिए कि प्रोसेस जो है वो इजी हो जाए, हम चाहें तो इस टर्म को न लिखें, डायरेक्टली इस फार्मूले का यूज करके लिख सकते थे, बट आसान करने के लिए हमने इसका यूज किया और इसका यूज किया। अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर दिया जाए, आर n2 इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, तो n2 इज इक्वल टू n1 वैल्यू क्या है, तो n1 वैल्यू 1 है, तो यहाँ पर 1 पुट कर दिया हमने। यहां पर क्या मिल जाएगा, m1 के प्लेस पर हम क्या पुट करेंगे, तो m1 के प्लेस पर पुट किया जाएगा kg, तो यहां पर मिल गया हमको kg अपान m2 के प्लेस पर ग्राम, तो क्या करेंगे, ग्राम पुट कर दिए। और पावर क्या मिल जाएगा, यहां पर वैल्यू जो a दिख रहा है, यहां पर k के पावर kg कितने हैं या ग्राम के पावर कितने हैं, 1, तो यहां पर हमने यूज कर लिया क्या, 1। सिमिलरली सेकेंड केस के देखें, मीटर है और यहाँ पर सेंटीमीटर है, तो L1 के प्लेस पर मीटर और L2 के प्लेस पर सेंटीमीटर पुट कर दिया जाएगा। और पावर क्या दिख रहा है, मीटर के पावर 1 है, सेंटीमीटर के पावर 1 है, मीन्स यहाँ पर मिल गया हमको 1। टाइम का देखें, थर्ड फंक्शन जो दिख रहा है सेकेंड दिख रहा है, इसमें भी सेकेंड, मीन्स CGS एंड SI बोथ सिस्टम में जो हमारे पास टाइम का फंक्शन है यह क्या है, सेकंड में मेजर किया गया है, तो यहाँ पर आ जाएगा सेकंड अपान सेकंड। पावर यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर पावर दिख रहा है अपान में है, ये डिनोमिनेटर में है और पावर 2 है, मीन्स यहाँ पर मिल जाएगा -2। अब जरा इसकी वैल्यू को पुट करें, जरा देखें, यहाँ पर 1 तो मिला लेकिन हमें कन्वर्ट करना है किलोग्राम से ग्राम में, किलोग्राम टू ग्राम, एंड वी नो दैट 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम, तो क्या कर दिया जाए, यहाँ पर पुट कर दिया जाए 1000 ग्राम अपान ग्राम और यहाँ पर पावर हमको 1 मिल गया, हो गया। सिमिलरली यहाँ देखें, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो क्या करें, इस 1 मीटर की वैल्यू को 100 सेंटीमीटर यहाँ पर पुट कर देते हैं, ये मिल जाएगा 100 सेंटीमीटर अपान सेंटीमीटर और पावर कितने हैं, 1 है, तो हमारे पास पावर मिल जाएगा 1। यहाँ पर दोनों सेकंड हैं इसलिए इसको सेकंड ही रहने दें, इसमें कोई चेंजिंग करने की आवश्यकता नहीं है, ये मिल गया। अब इसकी वैल्यू को सॉल्व कर लिया जाए, यहाँ पर जो वैल्यू हमको मिल रही है सॉल्व कर लेते रहें, देखें ग्राम टू ग्राम कैंसिल आउट, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल आउट एंड सेकंड टू सेकंड कैंसिल आउट, मिलेगा क्या, यहाँ पर हमको मिल गया 1 और यहाँ पर क्या मिलेगा, यहाँ पर मिल जाएगा 10 to the power 3, ये तो मिलेगा, यहाँ पर 10 to the power 3 मिल गया, यहाँ पर क्या मिल जाएगा हमको 10 to the power 2 और यहाँ पर मिल जाएगा 1। वैल्यू को हम सॉल्व करेंगे, यही तो मिलेगा, दिस इज इक्वल टू कितना मिल गया 10 to the power 5, दिस इंप्लाई दैट यानी n2 इज इक्वल टू हमें क्या मिल गया, n2 इज इक्वल टू 10 to the power 5, thus we can say that 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 to the power 5 डाइन्स। तो क्वेश्चन में क्या कहा गया था फाइंड नंबर ऑफ डाइन्स इन 1 न्यूटन, तो क्या हमने देखा 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 to the power 5 डाइन्स। तो क्वेश्चन को स्टार्ट किया जाए,
देखा जाए क्या कह रहा है क्वेश्चन। द यूनिट ऑफ वर्क इज जूल इन द एसआई सिस्टम एंड अर्ग इन द सीजीएस सिस्टम, फाइंड नंबर ऑफ अर्ग्स इन वन जूल। तो क्या दिया गया है यहां पर, यूनिट ऑफ वर्क दिया गया है, क्या होता है जूल होता है। जूल किस में होता है, एसआई सिस्टम में। कह रहा है इसको सीजीएस सिस्टम का जो यूनिट होता है अर्ग में कन्वर्ट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वर्क लिख लिया जाए, तो देखा जाए तो यहां पर मिल जाएगा डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वर्क। तो क्या मिलता है, ये मिलता है एम एल टू टी माइनस टू, ये मिल गया। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वर्क। अब हम कंसिडर कर रहे हैं कि यहां पर हमारे पास जो क्वांटिटी है यह पी, पी क्या है वर्क है। यह पी क्या होता है, एन यू इज इक्वल टू कांस्टेंट। जैसा कि हम इसके पहले भी बता चुके हैं क्या होता है, जो फिजिकल क्वांटिटी होते हैं दे आर द प्रोडक्ट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू एंड करस्पॉन्डिंग यूनिट आर ऑलवेज कांस्टेंट। देयरफोर P इज इक्वल टू एन वन यू वन इज इक्वल टू एन टू यू टू, ये मिल गया। अब जरा देखें डायमेंशनल फार्मूला हमें वर्क का ये मिल गया। हम कंसिडर कर ले रहे हैं कि जो फर्स्ट सिस्टम में मेजर किया गया है वो है एम वन ए एल वन बी और टी वन सी के फॉर्म मेजर किया गया है। मीन्स फर्स्ट सिस्टम में जो डायमेंशनल फार्मूला मिलेगा कुछ यह मिलेगा, एंड सेकेंड सिस्टम में जो मिल जाएगा वो हम कंसिडर कर लेते हैं एम टू ए एल टू बी टी टू सी के फॉर्म में। तो दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला फर्स्ट सिस्टम में मिल जाएगा वर्क का, एंड दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ वर्क इन द सेकेंड सिस्टम दैट इज इन सीजीएस सिस्टम। अब इनकी वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दिया जाए, यहाँ पर पुट कर दिया जाए तो इस इम्प्लाई दैट क्या मिल जाएगा हमको एन वन, और यहाँ पर मिल जाएगा यू वन के प्लेस पर एम वन ए एल वन बी टी वन सी इज इक्वल टू एन टू, और यहाँ पर मिल जाएगा हमको क्या एम टू ए एल टू बी एंड टी टू सी, ये तो मिलेगा। हम क्या करें, हमें यहाँ पर n2 फाइंड आउट करना है। देयरफोर n2 का फार्मूला क्या मिल जाएगा, n2 इज इक्वल टू यहाँ पर मिल जाएगा n1, और यहाँ पर सिंगल ब्रैकेट में यूज करेंगे तो m1 अपॉन m2 रेस्ट टू द पावर a, एंड यहाँ पर मिल जाएगा l1 अपॉन l2। हमें जो डायमेंशंस मिलेगा वो क्या मिलेगा, b मिलेगा, एंड देयर इज t1 अपॉन t2 पावर c मिल गया। तो हमें तो यही सॉल्व करना था, हमें यही तो यूज करना होता है। वैसे मैंने जो फॉर्म दिखाया है इसको हमने डेरिवेशन में ही यहाँ पर जब डिराइव किए हैं टू कन्वर्ट यूनिट ऑफ वन सिस्टम इनटू अनदर सिस्टम, तभी ये फार्मूला डिराइव कर रखे थे, लेकिन सुविधा के लिए हमने क्या किया अगेन इस फार्मूले को डिराइव कर लिया। अब क्या किया जाए, यहाँ पर देखा जाए क्या क्या गिवन है। तो यहाँ जरा देखा जाए यहाँ पर एन वन की वैल्यू कितना दिया गया है, तो एन वन की वैल्यू दिया गया है हमको कितना, यहाँ पर कहा गया है इन द सिस्टम इज द यूनिट ऑफ वर्क इज जूल इन द एसआई सिस्टम एंड अर्ग इन द सीजीएस, फाइंड द नंबर ऑफ अर्ग इन वन जूल। एन वन की वैल्यू कितनी है, वन है। यू वन की वैल्यू कितनी है, तो यू वन की वैल्यू है किसमें, जूल में। यह है यू वन इक्वल टू जूल इज इक्वल टू क्या है, जूल को हम ब्रेक कर सकते हैं किसमें, के जी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसे पुट किया जाए ये मिल जाएगा के जी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। सिमिलरली एन टू इज इक्वल टू अननोन है, उसे तो फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ अर्क्स दैट इज एन टू। फाइंड आउट क्या करना है, हमें अर्क्स में फाइंड आउट करना है। मीन्स यू टू इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, अर्ग। अर्ग को हम क्या क्या लिख सकते हैं, सेम पैटर्न में के जी प्लेस पर ग्राम, सेंटीमीटर प्लेस पर सेंटीमीटर, और सेकंड दोनों सेम रहता है। तो यहां पर मिल जाएगा ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। अब इन क्वांटिटी के वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, इस फॉर्मूले में पुट कर दिया जाए। तो यहां पर मिल जाएगा एन टू इज इक्वल टू, यहां पर मिल गया वन, यहां पर मिल गया फर्स्ट एम वन के प्लेस पर क्या है, के जी है, एम टू के प्लेस पर क्या है, ग्राम है। तो यहां पर मिल जाएगा
केजी पर ग्राम। पावर क्या दिख रहा है हमको, यहाँ पर जो ए पावर दिख रहा है, यहाँ पर केजी के कितने पावर हैं, वन, ग्राम पर वन, यहाँ पर वन मिल गया। नेक्स्ट L1 L2, L1 के प्लेस पर क्या है, मीटर है, L2 के प्लेस पर सेंटीमीटर। ये हो गया मीटर और ये हो गया सेंटीमीटर। पावर क्या दिख रहा है, तो पावर हमको दिख रहा है मीटर और सेंटीमीटर पर 2, तो यहां पर पुट कर देते हैं 2। नेक्स्ट देखा जाए टाइम का फंक्शन है T1 T2, तो हमें यहाँ पर डायमेंशन ऑफ टाइम T1 T2 मिलेंगे, तो ये सेकंड है, यहाँ भी सेकंड है, तो यहाँ यूज कर लिया हमने सेकंड, यहाँ भी सेकंड मिल गया। और दोनों फंक्शन क्या दिख रहे हैं, डिनोमिनेटर में है और पावर 2 है, तो डिनोमिनेटर से ऊपर ले जाएंगे न्यूमरेटर में, तो -2 हो गया। अब इनके वैल्यू को जरा देखा जाए, हमें क्या करना है, हमें SI2 कहाँ जाना है, CGS में जाना है। तो एज वी नो दैट, हम क्या जानते हैं, जैसा हम जानते हैं कि 1 kg इक्वल टू कितना होता है, ये होता है 1000 ग्राम इक्वल टू, एंड 1 meter इज इक्वल टू होता है 100 centimeter। तो हमने क्या देखा, यहाँ पर kg है, ग्राम में कन्वर्ट करना है, 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम, तो यहाँ पर पुट कर दें, तो यहाँ पर मिल गया 1, और यहाँ पर हमने पुट किया क्या, 1000 ग्राम अपॉन ग्राम, पावर कितने हैं 1, मिल गया। सेकंड, इसको कन्वर्ट कर दें, 1 meter इज इक्वल टू 100 centimeter, तो यहाँ पर पुट कर देते हैं 100 centimeter अपॉन सेंटीमीटर, पावर क्या है 2, ये मिल गया 2। और सिमिलरली यहाँ पर हमको मिल जाएगा सेकंड अपॉन सेकंड, पावर क्या है -2 है। सॉल्व कर लिया जाए, ये मिल जाएगा 1, यहाँ पर क्या मिलेगा 10 to the power 3, ग्राम टू ग्राम कैंसिल आउट, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल आउट, सेकंड सेकंड कैंसिल आउट, यहाँ पर क्या मिलेगा 10 to the power 2, और यहाँ पर क्या मिल जाएगा, यहाँ पर स्क्वायर मिलेगा, क्योंकि 100 को 10 to the power 2 लिख सकते हैं और ये स्क्वायर है, तो स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर क्या मिलेगा 1 to the power -2 है। ये क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा 10 to the power 3, ये मिल जाएगा 10 to the power 4। तो हमने क्या देखा, यहाँ पर जो हमें मिला वैल्यू, दिस इम्प्लाई दैट N2 इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, तो N2 इज इक्वल टू 10 to the power 7, N2 इज इक्वल टू 10 to the power 7, 10, वी कैन से दैट 1 joule इज इक्वल टू 10 to the power 7 अर्ग्स। तो हमने क्या देखा, हमने देखा 1 joule इज इक्वल टू 10 to the power 7 अर्ग्स होते हैं।